होती है, जैसा कि किड्स टॉयज, टेबल फैन, कटिंग नाइफ। लेकिन सवाल यह है कि मोटर कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैग्नेट कैसे काम करते हैं और मोटर किस असूल पर काम करती है। ये मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। अगर एक मकनातीस को दूसरे मकनातीस के करीब लाओ तो मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक जैसे पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चलिए हम परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, इसके दरमियान में होल कर लेते हैं, इसमें रॉड को इंसर्ट करते हैं जो इसको घूमने में मदद करेगा, और अब दूसरे मकनातीस को इसके करीब लाते हैं। तो एक जैसा पोल्स रिपेल करेंगे और मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप मकनातीस के पोल्स को स्विच करें तो हमारा स्पिनिंग मैग्नेट घूमता रहेगा। स्पिनिंग मैग्नेट का ये कंसेप्ट बहुत ही अहम है। ये मेटल बोल्ट है जो मकनातीस नहीं है, इस पर वायर को रैप करते हैं और इसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। तो करंट मैग्नेटिक डोमेन को लाइन अप कर देगा, तो ये मकनातीस की तरह एक्ट करने लगेगा। इसको इलेक्ट्रो मैग्नेट कहते हैं और ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रो मैग्नेट की ये खसूसियत होती है कि इसको आसानी से ऑन या ऑफ किया जा सकता है। आप देखते हैं कि बैटरी को फ्लिप करने से क्या होगा, तो इसमें करंट के गुजरने का रास्ता बदल जाएगा और मकनातीस पर बने पोल्स भी तब्दील हो जाएंगे, साउथ नॉर्थ बन जाएगा और नॉर्थ साउथ बन जाएगा। इसको रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। आप वायर्स को स्विच करके भी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं। हम स्पिनिंग मैग्नेट की तरफ वापस आते हैं। अब हम मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट से तब्दील करते हैं। जब इसको वायर से जोड़ा जाता है तो मैग्नेट ऑन हो जाता है और साइड मैग्नेट के साथ लाइन अप हो जाता है। अब वायर्स को तब्दील करके पोल्स को रिवर्स करते हैं, तो एक जैसे पोल्स रिपेल और मुखालिफ पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोबारा पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो एक जैसे पोल्स रिपेल और मुखालिफ पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम पोलैरिटी को रिवर्स करते रहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमता रहेगा। इसको मजबूत करने के लिए इसकी दूसरी तरफ दूसरा मैग्नेट प्लेस करते हैं। ये साइड साउथ पोल है, ये साइड नॉर्थ पोल है। साइड वाले पोल्स सकन रहेंगे और दरमियान वाला पोल घूमेगा। ये मोटर का बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दोनों साइड वाले मैग्नेट्स को कर्व मैग्नेट से तब्दील करते हैं। बोल्ट वायर्स की जगह हम मेटल लूप को इस्तेमाल करते हैं, जिसे आर्मेचर कहते हैं। इससे वायर्स को जोड़कर सर्किट मुकम्मल करते हैं। इस हालत में साउथ पोल ऊपर होगा, आर्मेचर घूमता रहेगा जब तक अपोजिट पोल्स बनते रहेंगे। वायर्स को स्विच करके आर्मेचर को घुमाया जा सकता है। वायर्स को स्विच करवाने के लिए हम कम्यूटेटर को ऐड करते हैं। ये रिंग की शक्ल में होता है और इसमें गैप होता है और ये आर्मेचर के साथ घूमता रहता है। अब हम इसको साइड पर लगे दो ब्रशेस के जरिए सर्किट से जोड़ते हैं। स्प्रिंग लोडेड होने की वजह से हमेशा कॉन्टेक्ट में रहते हैं। करंट वायर्स में से होता हुआ ब्रशेस में, कम्यूटेटर रिंग में और फिर मेटल लूप में से होता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है। देखते हैं कि कम्यूटेटर पोलैरिटी को कैसे रिवर्स करता है। स्विचिंग करने से पहले करंट इस रास्ते से फ्लो करता है, कम्यूटेटर के साइड तब्दील करने के बाद करंट दूसरे रास्ते से फ्लो करता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी रिवर्स होती रहती है जैसे जैसे आर्मेचर घूमता रहता है। अब हम कम्यूटेटर रिंग और मेटल लूप का इजाफा करते हैं, फिर ब्रशेस जिस सेगमेंट के साथ कॉन्टेक्ट करेगा इस मेटल लूप को सप्लाई देता रहेगा।
जैसे जैसे मोटर घूमती रहेगी ये होता रहेगा। इलेक्ट्रिक मोटर के आर्मेचर में काफी मेटल लूप होते हैं, इसकी वजह से मोटर कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। इस घूमने की फोर्स को टार्क कहते हैं। मजबूत टार्क का मतलब है तेज स्पीड से घूमना। रियल में मेटल लूप काफी वायर्स के बने होते हैं, ज्यादा वायर्स मतलब मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये रियल इलेक्ट्रिक मोटर का रोटर की पिक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि काफी तारे लिपटी हुई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मजबूत करने का दूसरा तरीका ये है कि इसको ज्यादा करंट फ्राम किया जाए। मोटर का वो पार्ट जो हरकत नहीं करता इसे स्टेटर कहते हैं। इस केस में दो परमानेंट मैग्नेट्स, स्टेटर और ये तमाम के तमाम मेटल बॉडी में कवर होते हैं। आर्मेचर को रोटर कहते हैं। इसके दरमियान में एक्सल गुजरता है। ये तमाम अरेंजमेंट को जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं डीसी मोटर कहते हैं।